तो हेलो, मैं हूँ एएलपी राजीव और आज उन लोगों के प्रॉब्लम पे बात करेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं हो रहा, उनसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसका आपके पास एक ही तरीका है जिनसे नहीं बन रहा है उनके लिए बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत कारगर चीज़ होगा। ठीक, देखो मैथ और रीजनिंग का टाइप होता है, मतलब मान लो कि एग्जाम में एएलपी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में एक चैप्टर से ज़्यादा 10 टाइप से आज तक पूछा गया है। तो कोई ऐसा करो कि जहाँ से तुम टाइप हर टाइप का क्वेश्चंस को नोट करो, नोट डाउन करो और उसको एकदम रट लो। रीजनिंग का भी हर चैप्टर से तुमको 10, मान लो अगर मैथ में 20-25 चैप्टर है तो मान लो कि 250 टाइप तुमको याद करना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। इसमें तुमको कोई बेसिक फॉर्मूला और मतलब कुछ नहीं, हर टाइप का एक ट्रिक होगा, एक तरीका होगा, उसको रट लो, याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। इसको कॉपी पे नोट करो, चैप्टर नाम हेडिंग डालो चैप्टर का और उसके नीचे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 10, ऐसे 10 टाइप का तुमको मिलेगा हर चैप्टर से, उसको रट के याद कर लो भाई, बहुत कारगर होगा ये एग्जाम के टाइम पे। ये उनके लिए है जिनसे बिल्कुल नहीं हो पाता है और सोच रहे हो कि टाइप वाइज क्वेश्चंस तुमको कहाँ से मिलेंगे। तो ये एक बुक है मैथ का और रीजनिंग का जिसमें हर चैप्टर से 10 या 12 टाइप्स ही दिया हुआ है, तो हर टाइप का क्वेश्चंस को लिखो एक जगह, नोट करो और उसको याद करो, एग्जाम में